इतनी बड़ी जनसंख्या को के दिमाग को पढ़ लेना और उसके तरीके से एक चीज़ फेंकी और आंदोलन बन गई, ये कैसे होता है? ऐसा कब्जा करने की कोशिश जो भी करेगा वो विफल जाएगा। कभी भी जनमन का कब्जा नहीं करना चाहिए जी, हमें जनमन को समझना चाहिए। और जनमन और हमारी सोच के बीच में फासला कम कैसे हो, दूरी कैसे कम हो, खाई कैसे पटे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। थोपने से कभी चीजें सफल नहीं होती, कभी नहीं होती। अब देखिए स्वच्छता का अभियान, खुद को जाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, उपदेश देने से होता नहीं है। लाल किले से इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत लगती है। और कुंभ के मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर के गर्व अनुभव होना, तब लोगों को लगता है कि ये हमारी इतनी सेवा करने वाले लोग हैं, हम उनको स्वीकार क्यों नहीं करते। और जब देश का प्रधानमंत्री कुंभ के मेले के, और कुंभ का मेला हमारा दुनिया में स्वच्छता के लिए जाना गया, वरना हमारे त्योहार वगैरह फूल यहाँ पड़े हैं, प्रसाद यहाँ गिरा है, उसी में लगा, एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। और जब मैंने वहाँ के कुंभ के मेले को, जिन्होंने स्वच्छ रखा, उनका सम्मान करने का मेरा तरीका था, मैंने उनके पैर धोए थे। समाज के अंदर एक मैसेज जाता है कि भाई इस देश में हर व्यक्ति महान है, हर व्यक्ति मूल्यवान है, कोई नीचे नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अगर, जिसको कल तक जिसको आप नीचा कहते थे, उसके पैर धोने में गर्व अनुभव करता है, आप एक बहुत बड़े शॉकिंग ट्रीटमेंट भी कभी अपने व्यवहार से देते हैं इनको। उसी प्रकार से कंपटीशन का वातावरण बनाया मैंने कि भाई बताओ भाई कौन सा शहर सबसे ज्यादा स्वच्छ होगा, कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा, तो ये करना पड़ता है।